टू माय चैनल मनीष गुप्ता की किचन। आज मैं आपको सोया कीमा पाव सिखाऊंगा। चलिए बनाने चलते हैं। कीमा पाव बनाने के लिए मुझे चाहिए कीमा। मैंने सोया का कीमा लिया है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सोया कीमा पाव। सोयाबीन का चूरा है जिसको मैंने भिगो के रखा है। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया। सोया कीमा बनाने के लिए मैंने तेल गर्म किया है। इसमें डालूंगा मैं हल्दी, इसमें डालूंगा थोड़ी सी लाल मिर्च, डालेंगे हम प्याज चॉप किए हुए, इसमें डालेंगे हम गार्लिक, इसको अच्छी तरह से हम भून लें। इसमें डालेंगे हम चॉप्ड कैप्सिकम, ग्रीन चिली, थोड़ा अदरक, और डालेंगे इसमें हरे मटर, और इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। हम नमक इस स्वाद अनुसार डाल रहे हैं, अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। जैसे ही प्याज पक जाएगा थोड़ा सा इसमें डालेंगे कीमा। अब इसमें डालेंगे हम कीमा, और इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे। इसमें हमारा सोया कीमा बनके रेडी हो गया। इसको हम इसके ऊपर डालेंगे हम ग्रीन कोरिएंडर, और एक बार फिर से इसको हम हिला लेंगे। पाव बनाने के लिए हमने तवा लिया है। आप इसमें चाहो मक्खन डालिए, घी डालिए, मैं इसमें घी डाल रहा हूँ। हमारा तेल रेडी हो गया। इसमें हमारे पाव, पाव मैंने बड़े लिए हैं, इसको अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। इसके ऊपर सेक लेंगे। इसमें आप रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। घर में घी है तो घी इस्तेमाल कीजिए, मक्खन है, वाइट बटर है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाव मेरे बनके रेडी हो गए। अब हम इसके एक साइड में हमारा कीमा डालेंगे। ये जो नीचे का बेस है इस तरफ डालेंगे हम कीमा। इस तरह हमने कीमा डाल लिया, और उसके ऊपर हम दूसरा लेयर रख लेंगे। ये हमारा कीमा सोया पाव बनके रेडी हो गया। हमारा सोया कीमा पाव बनके रेडी हो गया है। इसे स्नैक्स में खाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।